खुशी बात हुई कि इस तरह से इंस्टीट्यूट चलाया जा रहा है, और मुझे ये भी अच्छा लगा कि जो इंस्टीट्यूट चला रहे हैं वो जहां रहता था जहां रखा, मुझे पता भी नहीं था, इनको एक बच्चे की तरह भी देखा है दादा साहब को मैंने, लेकिन आज इस तरह से बड़े होकर इतना अच्छा इंस्टीट्यूट चला रहे तो मुझे बहुत खुशी भी हुई और गर्व भी महसूस हुआ। और आप विद्यार्थियों के चेहरों को देखकर लगता है जिस तरह से खुशी आपके चेहरों पर लग रही है, ऐसा लगता है जैसे सूरज से किरणें निकलती है उसी तरह आपके चेहरों से खुशी फूटती है, मुझे बहुत अच्छा लगा। सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगा कि किसी भी तरह का कलाकार हो, चाहे वो कमेंटेटर हो, चाहे वो आर्टिस्ट हो, चाहे वो गायक हो, हर व्यक्ति को अपनी बात अपनी कला से प्रदर्शित करनी चाहिए। आजकल हम देखें हमारे देश में हो क्या रहा है कि जान से बातें ज्यादा हो गई, काम से कम हो गई। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि लता मंगेशकर की शक्ल खराब, अब उनकी आवाज की बात करनी चाहिए तो शक्ल की बात करें। कुछ लोग कह रहे हैं कि तेंदुलकर की आवाज खराब, तेंदुलकर की क्रिकेट की बल्लेबाजी की बात करनी चाहिए तो वो बात करते हैं हम। तो ये मुझे बहुत दुख होता है कि हमारे समाज में क्या चीज सीखी जा रही, सम्मान कम होता जा रहा है। देखिए हम देश में देश के हिसाब से बढ़ तो बहुत ज्यादा अच्छी तरह रहे हैं, दुनिया भर का हमारा नाम हो रहा है, भारत औद्योगिक तरीके से बहुत आगे बढ़ रहा है, हमारे आईटी प्रोफेशनल्स बड़ा बड़ा काम कर रहे हैं, दुनिया भर में हमारे उद्योग अपनी तूती बजा रहे हैं। लेकिन जो चीज हमारे पास थी, जो हमारी धरोहर थी कि हम बड़ों का सम्मान करते हैं, कलाकारों का सम्मान करते हैं, वो बात